नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ iPhone 13 की, जिसका दोस्तों मेरे पास है ब्लैक कलर। ये देखिए बॉक्स पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। वैसे तो मैंने इस फ़ोन को पहले ही ओपन कर दिया है और इसको दोस्तों यूज भी किया है, बट मैं आपके सामने एक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिससे दोस्तों आपको अंदाजा लग सके कि दोस्तों जो नॉर्मल अनबॉक्सिंग होती हैं वो कैसी होती हैं और फ़ोन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए पीछे की तरफ, जो मैंने जो इसकी जो सील है वो दोस्तों ब्रेक कर दी है, और यहाँ पर दोस्तों एप्पल के बारे में लिखा हुआ है। मेरे पास दोस्तों इसका है ब्लैक कलर, मिडनाइट ब्लैक कलर 128 GB वाला, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों जो बेस वेरियंट है वो 128 GB से ही स्टार्ट होता है। और साइड में दोस्तों एप्पल का ये ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर दोस्तों एप्पल फ़ोन का जो लोगो दिया गया है, iPhone 13 का लोगो दिया गया है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों वहाँ मिलता है डिवाइस, देखिए इसे मैं साइड में रखता हूँ, और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है ये एक लाइटनिंग केबल, ये देखिए जो C-Type 2 लाइटनिंग केबल है। और दोस्तों इसके अंदर हमें चार्जर नहीं मिलता जैसे कि आपको पता है, और बाकी दोस्तों इसके अंदर मिलता है हमें एक सिम इजेक्टर पिन, और दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आई फ़ोन के, और ये है दोस्तों एक एप्पल का स्टिकर। इस बार दोस्तों सिर्फ एक ही स्टिकर आया है इस फ़ोन के अंदर, वैसे कई इससे पहले की सीरीज में दोस्तों कई एप्पल के स्टिकर आते थे, बस इसमें सिर्फ एक ही आया है। तो दोस्तों ये है iPhone 13 जिसको मैं यूज कर रहा हूँ कई दिनों से। इसे कैमरे की बात करूँ दोस्तों, इसके इसमें दोस्तों कैमरे दिए गए हैं, इनकी दोस्तों डिज़ाइन है वो पहले जो iPhone आते थे 12 और 11 उनसे थोड़ी अलग कर दी गई है, और इस बार लेंस भी दोस्तों थोड़े बड़े कर दिए गए हैं इस फ़ोन के। पहले दोस्तों थोड़े छोटे थे बट अभी थोड़े बड़े हैं। बट साइज़ की बात करूँ तो जो साइज़ दोस्तों आपको iPhone 12 में मिलता है सेम वही साइज़ आपको इसमें मिलता है। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ दोस्तों तो वो दोस्तों 6.1 इंच की सुपर HD दोस्तों HDR डिस्प्ले, जो कि दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है iPhone में, जैसे दोस्तों आप सुपर AMOLED डिस्प्ले भी बोल सकते हो, जो हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। उस हिसाब से दोस्तों इस बार इस फ़ोन में हमें जो नॉच होती है, iPhone में नॉच आती थी वो थोड़ी पहले के मुताबिक अब छोटी कर दी गई है। जैसे दोस्तों पहले यहाँ से यहाँ तक आती थी बड़ी, लेकिन अब थोड़ी छोटी कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्पीकर है वो थोड़ा ऊपर हो चुका है, बट पहले अंदर ही आ रहा था, इस चक्कर में वो नॉच थोड़ी बड़ी होती थी, बट अभी क्या है वो ऊपर कर दिया गया है। इसके बटन की बात करूँ तो इस साइड में दोस्तों आपको पावर बटन मिलता है, इस साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलते हैं, जो दोस्तों एक साइलेंट करने वाला बटन है जिससे दोस्तों आप अपने फोन को आसानी से साइलेंट कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों मिलती है आपको सिम इजेक्टर टूल, सिम ट्रे मिलती है यहाँ पे दोस्तों आपको, जिसमें आप एक सिम लगा सकते हो और एक इसमें आप ई सिम भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन ई सिम करवा के तो आप इस तरीके से इसमें दो सिम लगा सकते हो, दो सिम यूज कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर। बट दोस्तों अभी भी इस फ़ोन में आप कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, आपको जितनी मेमोरी फ़ोन में दी गई है आप उतनी ही यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको कैमरे दिए गए हैं दो पीछे की तरफ, जो 12x12 वाले कैमरे हैं, और फ्रंट में दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले में कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का। इस बार दोस्तों इसकी कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो जो 12 में कैमरे मिलते थे उससे थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया इसका कैमरा, बट मिलता दोस्तों 12 का ही है। और दोस्तों इसकी बैटरी भी दोस्तों पहले के मुताबिक थोड़ी अच्छी कर दी गई है, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस फ़ोन में चार्जर नहीं मिलता, तो अगर आपको चार्जर इसका चाहिए तो आपको मार्केट से अलग से खरीदना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मेरे पास है ये वाला, ये है दोस्तों 20 वॉट का चार्जर, जिसकी कीमत दोस्तों समथिंग 2200 रुपये होती है, जिसे आप एप्पल स्टोर से खरीद सकते हो या ऐसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, जिसका खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों iPhone 13। दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ तो इसकी प्राइस दोस्तों स्टार्ट होती है 80,000 रुपये से समथिंग, क्योंकि दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है वही दोस्तों 79,990 रुपये का आता है। और iPhone 12 अगर आपके पास पहले से है तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप अपने फ़ोन को अपग्रेड ना करें iPhone 13 में, क्योंकि इस दोनों फ़ोन में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जो लोग नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं वो लोग iPhone 13 की तरफ जा सकते हैं, बट जिन लोगों के पास पहले से ही iPhone 12 है तो वो अपने फ़ोन को अपग्रेड ना करें, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।